अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको 3D स्टूडियो मैक्स कैसे इंस्टॉल होता है उसके बारे में बताऊंगा। 3D स्टूडियो मैक्स को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपके पास ISO बना हुआ हो, आप अल्ट्रा ISO की मदद से उसको बैठ के इंस्टॉल करें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास DVD हो, आप DVD को डायरेक्ट लगाएं और उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दें। और तीसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर ISO है, पहले आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसका सेटअप जो है वो रन करें। तो देखते हैं हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। ये देखिए, मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद पड़े हुए हैं, कुछ ISO पड़े हुए हैं। ये देखिए यहां पे ISO है, लेकिन इसके लिए मुझे अल्ट्रा ISO का सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी आप अपने कंप्यूटर में देखें तो आपके पास सिर्फ दो ड्राइव्स हैं, सी और डी, और यहां पे थर्ड जो है वो वर्चुअल अभी नहीं है, जो इसके अंदर DVD हम एग्जेक्ट कर देते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की कोई DVD ना हो। अब मैं अल्ट्रा ISO को जो है वो इंस्टॉल करता हूं। ये देखें, मैं सॉफ्टवेयर पे गया, यहां से मैंने सिलेक्ट किया अल्ट्रा ISO, और दूसरा सॉफ्टवेयर आपको विनरार चाहिए, तो मैं पहले विनरार को जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने विनरार पे क्लिक किया, इसका सेटअप आ गया। आप इस सेटअप पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेटअप स्टार्ट हो। ये देखिए, ये मेरा सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करता हूं। अल्ट्रा ISO मैंने अब इंस्टॉल करना है। ये देखिए, ये मेरे पास अल्ट्रा ISO पड़ा है, मैंने इस पर क्लिक किया और इसका भी सेटअप जो है वो मैं करता हूं। आपने दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लेने हैं। आप अगर आप माय कंप्यूटर में देखें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा DVD जो है वो मौजूद होगी। मैं जैसे अल्ट्रा ISO को रन करता हूं, ये देखिए हमारे पास एक पीछे वर्चुअल डिवाइस जो है वो बन गई है, ये देख रहे हैं। इस डिवाइस के अंदर आप उसको माउंट करेंगे। ये देखिए अल्ट्रा ISO और माउंट, मेरे पास शेयर फोल्डर के अंदर एक ISO पड़ा हुआ है 3D स्टूडियो मैक्स का, ये देखिए ओपन। ये पहला तरीका है। अब आप देखें, इसकी मदद से आपके पास DVD जो है आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सिस्टम के अंदर आपने एक DVD जो है वो इंसर्ट कर ली है, और अब आप इसके अंदर DVD की तरह ही सेटअप जो है वो रन करेंगे। इसका सेटअप जो है वो मेरे पास कंप्लीटली तौर पे आ चुका है। एक तरीका तो ये है कि आप इसे डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास वही सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये देखिए, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर जो पहले से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां से मैं इस सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है इसको रन कर लेता हूं।
ये देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका क्रैक फाइल भी पड़ी हुई है और ये सेटअप भी पड़ा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो ये देखिए मेरा सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ये सेटअप स्टार्ट हो जाए, आपने नेक्स्ट क्या करना है कि अपने उस फोल्डर में क्रैक की जो फाइल है इसको भी रन कर लेना। मैं इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूं। ये पहले आप चेक कर लीजिए अपने सिस्टम के अंदर कि आपके पास जो विंडो है वो कौन सी इंस्टॉल है। मिसाल के लिए मैं इसमें राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो विंडो को चेक करता हूं, तो ये देखिए 64 बिट विंडो जो है वो मेरी इंस्टॉल है। इट मींस कि मैंने 64 बिट का जो क्रैक है इसी को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूं। ये देखिए तो ये हमारे पास एक वायरस जो है वो आया, मैं एंटीवायरस, क्योंकि आपकी जितनी भी क्रैक की फाइल्स होंगी उनमें वायरसेस होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने एंटीवायरस को जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें। ये देखिए मैंने इसको स्टॉप किया ताकि मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये स्टॉप हो गया है, अब दोबारा मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हुआ, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है मैं रन कर लेता हूं। ये देखिए आपका जो सेटअप है वो इस वक्त मेरे पास रन है। मैं यहां से इंस्टॉल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें, ये देखें मैंने यहां से सिर्फ 64 बिट ही जो है उसको रखना है, 32 बिट को मैंने ऑफ कर दिया। मैंने यहां से नेक्स्ट प्रेस किया, ट्यूटोरियल की फाइल जो है वो भी हमें नहीं रिक्वायर्ड, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो मेरा सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया है। आपके जितनी भी फाइल जो है डीवीडीज पे पड़ी है, वो सीडीज पे पड़ी है, आईएसओ इमेजेस में है, या आपने अपने सिस्टम पे एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है, उनमें से क्योंकि जो हमने 64 बिट को इंस्टॉल किया है तो 64 बिट का जो वर्जन है ये आपके सिस्टम में अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया, यानी कि कॉपी होना शुरू हो चुका हुआ है। इसकी जो टाइमिंग है उसको हम वेट करते हैं। ये देखिए यहां से आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान, आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट। इसके बाद यहां पे देखिए ये कुछ की मांग रहा है हमसे, तो हमें की जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। यहां के क्रैक के फोल्डर में अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो की पड़ी होगी। ये देखिए मैंने यहां पे इस पर क्लिक किया तो ये बेसिकली मेरी की है। मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, और ये आपका सिंपल जो है वो आप लगा सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने पर्सनल कर दिया है, लास्ट नेम भी कोई आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट प्रेस करना है। ये देखिए अब मेरा सेटअप जो है वो शुरू हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। आपको लगे कि आपकी कुछ फाइल ऐसी है जो जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 7 में अक्सर अपडेशन आती है, तो साथ ही आप अपना इंटरनेट जो है वो उसको भी ऑन कर ले ताकि कोई फाइल मिस ना हो। वैसे तो नॉर्मल चांसेस नहीं होते कि ये कोई अपडेट साथ ले और आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखेंगे। हमारा 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रेडमी को कैंसिल करते हैं और सिंपल यहां से फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने इस 3D स्टूडियो मैक्स को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है, क्योंकि पहली मरतबा इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अब पहली मरतबा ये रन होगा, तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और साथ ही आपने अपने क्रैक के फोल्डर से जाके उस क्रैक को भी स्टार्ट कर देना। देखिए यहां से मैं अपना क्रैक का फोल्डर ओपन करता हूं। बिट का हमारा था, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैं क्लिक कर रहा हूं। दोनों सॉफ्टवेयर को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही रन करोगे। ये देखें, एक्टिवेट करना है प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले मैं यहीं पर मिम पैच जो है बटन इसको क्लिक करता हूं, ताकि हमें परमिशन जो है मेमोरी से इसकी पैच हो जाए। ये देखें, जैसे मैंने पैच क्लिक किया तो ये सक्सेसफुल पैच का मैसेज आया, ओके। अब मैं यहां से एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूं। ये देखें मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है एक्टिवेट की। अब हमने क्या करना है, यहां से ये रिक्वेस्ट कोड को जो है कॉपी करना है। ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल सी, और यहां पे लाके पेस्ट कर देना है। और अब इस एक्टिवेशन कोड को हम लोगों ने जनरेट करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये कोड जनरेट हो गया। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है सी, और एंटर कोड के ऊपर जाके क्लिक करना है, और यहां पे जाके आपने पेस्ट एक्टिवेशन कोड कंट्रोल वी कर देना है। तो देखिए ये कोड मेरा आ गया है। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है नेक्स्ट। और इसके बाद फिनिश। आप ये देखिए प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो हो चुका है। अब आप इस क्रैक को बंद कर दें और देखें आपका 3D स्टूडियो मैक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे सामने इसका जो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो डिस्प्ले होगा। ये मेरा इंटरफेस है 3D का, जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। हमने इन्हीं व्यू पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, और साथ में आप लोगों ने तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक मर्तबा अभी से व्यू कर लें, या बाद में जब मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसको टीच करना शुरू कर देना है उस वक्त आप व्यू कर लें, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये देखिए मैक्स जो है वो इस वक्त मेरे पास कंप्लीटली तौर पे जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब यहां पे इसको हमें ये शो नहीं करवाने, सिंपल क्लोज कर दें। तो ये मैक्स का हमारे पास GUI है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना शुरू कर देंगे। आप इस दौरान अपने सिस्टम्स के ऊपर 3D स्टूडियो मैक्स को जो है वो इंस्टॉल कर लें, जो तरीका मैंने बताया है। खास करके जब हम मिम पैच करते हैं, मेमोरी से पैच लेते हैं, उसको अच्छी तरह से करना है आपने, ताकि ये क्रैक प्रॉपर तरीके से आपके पास जो है वो हो जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, शुक्रिया।